नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। विशिष्ट न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने घर से दर्शन करने मंदिर जाती 15 साल की किशोरी को अगवा कर एक मकान में 7 दिन बंधक बनाने व कई बार दुष्कर्म करने के आरोपित को 20 साल की कठोर कैद और 48,000 रूपए जुर्माने से दंडित किया है। मामले में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह और 31 दस्तावेज पेश कर आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध किए। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष राका ने बताया कि एक नाबालिग ने अपने भाई के साथ 9 अगस्त 2020 को फूलियाकला थाने पहुंचकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि शाम को वह अपने घर से दर्शन करने मंदिर जा रही थी, अचानक देवरिया निवासी राजू पुत्र गोविंद शर्मा अपहरण की प्लानिंग के साथ आया और पीड़िता को डरा धमकाकर बाइक पर बैठाकर गुलापुरा ले गया, जहां उसे कमरे में बंद कर दिया और गलत हरकतें की। मना करने पर डराया धमकाया, आरोपित ने जान से मारने की धमकी भी दी और दुष्कर्म किया। आरोपित ने पीड़िता को 7 दिन बंधक बनाकर रखा। इस दौरान कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया और मोबाइल से फोटो भी खींचे। 9 अगस्त को पीड़िता को तलाश करता हुआ उसका भाई वहां तक पहुंच गया, जहां पीड़िता बंधक बना रखा था। पीड़िता ने अपने भाई को देखा, उसे आवाज दी। इसके बाद पीड़िता को उसके भाई ने वहां से मुक्त करवाया। पीड़िता ने आप बीती परिजनों को बताई। इसके बाद पीड़िता अपने भाई के साथ थाने पहुंची और उक्त रिपोर्ट दी। फूलिया पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपित राजू को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान 15 दस्तावेज और 31 गवाह पेश कर राजू पर लगे आरोप सिद्ध किए। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित राजू को 20 साल की कठोर कैद और 48,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। भाजपा किसान मोर्चा के तत्वावधान में भीलवाड़ा कृषि मंडी में केंद्र सरकार द्वारा 8 माह पूर्व भेजी गई 20 लाख लागत की मल्टी क्रॉप क्लीनिंग ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग मशीन कबाड़ में पड़ी है। भाजपा किसान मोर्चा के धरने प्रदर्शन एवं घेराव के दावों को देखते हुए उसे आनंद फानन में साफ किया गया। उसके ऊपर फटा हुआ त्रिपाल भी हटाकर कबाड़ में बड़ी मशीन का झाड़ू निकाला गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेले के निर्देशानुसार कृषि उपज मंडी में भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र गुजर व भाजपा जिला महामंत्री बाबूलाल टांग के नेतृत्व में मंडी सचिव कार्यालय में 4 सूत्रीय मांगे लेकर पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में भी यूपी जैसे डबल इंजन सरकार की जरूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को सुविधाएं व आमजन हितार्थ कार्य करती है, राज्य सरकार उसे कबाड़ में रखवा देती है। मंडी सचिव भीलवाड़ा उपलब्ध नहीं हो पाने से उनसे मोबाइल पर बातचीत की। यहां उपस्थित उनके जगह चार्ज लिए अधिकारियों किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने एक बार ऑफिस के ताला जड़ दिया गया, जिसके बाद में खोल दिया गया। मशीन मई जून में भीलवाड़ा आ गई थी, जो मंडी में 8 माह से बारिश धूप धूल में खुली कबाड़ के रूप में पड़ी थी। इस मशीन द्वारा किसानों के मल्टी क्रॉप को 1 घंटे में 11 क्विंटल अनाज साफ करने की कैपेसिटी रखती है, जिसे हजारों किसानों को मशीन से कई जिंसों को साफ करने में फायदा होगा। कृषि मंडी में किसानों के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग हो रहा है। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से टूटी फूटी हालत में होने से मरम्मत कराने, बारिश के दिनों में कृषि मंडी में सड़कों की लेवलिंग नहीं होने से पानी भर जाता है। किसानों के प्लेटफॉर्म को व्यापारियों द्वारा कब्जे किए जाना बर्दाश्त नहीं करेगी, इसके लिए भाजपा किसान मोर्चा ने ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर महामंत्री महिपाल सिंह है, कोषा अध्यक्ष भंवर सिंह है, कार्यकारिणी सदस्य दिलीप पुरोहित, मंडल अध्यक्ष दिनेश जाट आदि उपस्थित थे। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन घेराव के बाद कलेक्ट्री में जाकर एडीएम प्रशासन राजेश कोयल को ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर मल्टी क्रॉपिंग एंड क्लीनिंग मशीन का टेंडर को चालू करने का आज की तारीख में देने का आश्वासन दिया। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा 4 सूत्रीय मांगों को भी शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र गुर्जर, भाजपा जिला महामंत्री बाबूलाल टांग, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आचार्य सहित भाजपा किसान मोर्चा महामंत्री महिपाल सिंह उपस्थित थे। 20 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में संचलन का आयोजन बिजोलिया में किया गया, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के सामने से निकाला गया। संचलन में किसी प्रकार के कोई धक्का मुक्की, मारपीट, लड़ाई, झगड़ा, अनुशासनहीनता नहीं होने तथा शांतिपूर्ण तरीके से संचलन निकाले जाने के बावजूद 20 दिसंबर को रात्रि 10 बजे कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। उसके बाद रात्रि को और अगले दिन 21 दिसंबर को करीबन आधा दर्जन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। इसका विरोध करते हुए चीला
कलेक्ट्रेट में भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में गिरफ्तारी एवं पूर्ण आपराधिक मामला दर्ज करने एवं शांति व्यवस्था बिगाड़ने का विरोध करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से संचलन निकालने के बावजूद कार्यकर्ताओं पर आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रात्रि को गिरफ्तार करना कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए कांग्रेस नेताओं के दबाव में षड्यंत्र पूर्वक राजनीतिक दबाव बनाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। इससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है और जिला पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने की भाजपा जबरदस्त विरोध करती है। भाजपा जिला अध्यक्ष तेली ने जिला पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि शीघ्र ही मुकदमा की पत्रावली मंगवाकर निष्पक्ष जांच हो तथा पुलिस उक्त मामले की किसी प्रकार की कोई अन्य गिरफ्तारी नहीं हो। यदि शीघ्र गंभीरतापूर्वक कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा द्वारा संपूर्ण जिले भर में आंदोलन और बंद का आह्वान किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। 20 दिसंबर को गीता जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बिजोलिया कस्बे में शौर्य दिवस के रूप में पथ संचलन का कार्यक्रम था और जिसे पुलिस प्रशासन ने गलत तौर पर रोकने की कोशिश की और फिर पुलिस अधिकारियों के साथ में और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में पुलिस थाने में वार्ता होने के बाद समझौता हुआ, रूट बदला गया, डीजे को हटाया गया और सभा नहीं करने पर सहमति बनी। उसके बाद में पथ संचलन निकला और इसके बाद में पुलिस द्वारा रात्रि को 10 बजे आयोजनकर्ताओं के खिलाफ व्यस्तावश राजनीतिक दबाव में जब शांतिपूर्ण तरीके से पथ संचलन निकल गया था उसके बाद इस तरह की FIR दर्ज किया और दूसरे दिन उन कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को इस तरह से गिरफ्तार किया गया जैसे कोई बहुत बड़ी आतंकी घटना हो गई हो। और इसी बात को लेकर आज पुलिस अधीक्षक महोदय से बातचीत की है, हमारे विधायक विठल शंकर जी अवस्थी, गोपाल जी खंडेलवाल साहब, जब्बर सिंह जी, गोपी चंद जी मीणा साहब, दामोदर जी अग्रवाल साहब सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने चर्चा की है, अनुरोध किया है कि इस तरह से राजनीतिक रूप से दबाव में आकर शांतिपूर्ण कार्यक्रम होने के बाद में मुकदमा दर्ज किया जाना, गिरफ्तारी करना ये बहुत गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हमने कहा है कि इस प्रकार की यदि घटनाएं द्वेष्टावश और राजनीतिक रूप से की गई तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जनप्रतिनिधि बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। 20 तारीख को बिजोलिया में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक शांतिपूर्ण घूमना था, पथ संचलन करना था, उसमें बिगर मतलब पुलिस ने आकर वहाँ के थानाधिकारी ने दबाव बना के उसको रोकना चाहा और उनकी मनमानी ढंग से किसी के राजनीतिक दबाव में आकर एक राजनेता के कहने पे उन्होंने जो ये कार्य किया है ये बहुत ही घृणित कार्य है। आज हम इसके जो हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ पे जो पुलिस ने आज जो गिरफ्तार किया है उनके विरुद्ध हमने सभी भारतीय जनता पार्टी के MLA, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी और हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे बिजोलिया के क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सब आज SP साहब से मिले, उनको कहा कि ये अन्याय हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित पार्टी है, अच्छा काम करने के लिए है। हम ये ऐसा अगर दुर्भावनावश हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसा किया गया तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार, सभी जनप्रतिनिधि आने वाले समय में अगर ऐसा हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसके सब जिम्मेदार प्रशासन और पुलिस होगी, इसमें कोई भी डिले नहीं रखेंगे। सर आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम जो ये फर्जी केस लगाए एक राजनेता में दबाव में आकर उनको तुरंत हटाया जाए और जो भी करे अपन यहाँ हमारी जनता जो सरकार के प्रशासन के जो नियम है उनके नियम में रह के हम काम करेंगे, प्रशासन को कभी ये परेशानी नहीं करेंगे। एक पुत्री के अपहरण व हत्या तथा दूसरी पुत्री के अपहरण के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुर थाना क्षेत्र के बागरिया समाज के लोगों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर SP के नाम ज्ञापन सौंपा।
बजरंगपुरा निवासी काली पत्नी उगमा बागरिया ने ज्ञापन में कहा है कि उसने पुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 9 अगस्त को शाम 7-8 बजे उसकी पुत्री सीमा का अपहरण भगवान लाल बागरिया व प्रकाश पुत्र भगवान लाल बागरिया निवासी उपरेड़ा थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ ने कर लिया। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें 16 अगस्त को धोखे से कारोई बुलाया। पीछे से घर पर अकेली दूसरी नाबालिग पुत्री राधा का भेरूलाल कालू बागरिया व भेरूलाल के पुत्र सभी निवासी खातीखेड़ा ने अपहरण कर लिया। 14 सितंबर को पुर थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। काली ने ज्ञापन में कहा है कि कोर्ट में इस्तगासा दर्ज कराया तो आरोपी भगवान लाल बागरिया व प्रकाश बागरिया ने सीमा को डरा धमकाकर अपने पक्ष में बयान करा लिए और उसे अपने पास रख रहे थे। 30 नवंबर को आरोपियों ने परिजनों के साथ मिलकर सीमा की जहर देकर हत्या कर दी। इस संबंध में भी राशमी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके पत्रावली भी मंगवाई जाए और पूर्व पुलिस को भी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाए। दोनों मामलों की जांच निष्पक्ष अधिकारी से करवाई जाए। सर्दी बढ़ने के साथ ही शहर सहित जिले में गजक की मांग बढ़ गई है। मुरैना से आए 15 कारीगर गजक तैयार कर रहे हैं। ये कारीगर हर साल 4 महीने के लिए भिलवाड़ा आते हैं और सीजन खत्म होने के बाद लौट जाते हैं। चंदनलाल गुंदालिया ने लोकवाणी को बताया कि सर्दी के हिसाब से दिल्ली के व्यंजनों की मांग बढ़ गई है। पिछली बार की तुलना में महंगाई में ज्यादा फर्क नहीं है, केवल 19-20 ही है। अभी दिल्ली 160 और गजक 200 रुपए किलो के भाव से बिक रही है। अभी माल तैयार करने में 15 कारीगरों की टीम जुटी हुई है। मुरैना से गजक तैयार करने आए कारीगर रफीक ने बताया कि अभी सर्दी को देखते हुए माल का अच्छा उठाव हो रहा है। हम सदाबहार गजक, मुरैना गजक, मूंगफली चक्की, देसी घी गजक, रेवड़ी रोल गजक, सादा पेठा, कंजा, तिल पट्टी, गुड़, तिल्ली और मूंगफली से बने व्यंजन तैयार कर रहे हैं। सभी को लोग पसंद भी कर रहे हैं। हम 15 लोग हैं जो मुरैना से आए हैं। हम हर साल 4 महीने के लिए यहाँ आते हैं और गजक तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि सीजन खत्म होने के बाद हम मुरैना चले जाएंगे। सभी लोग वहाँ खेती या अन्य धंधा करते हैं। हमारे पुरखों ने मुरैना में यह धंधा शुरू किया था जिसे अब हम कर रहे हैं। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। एक और जहां जिले का तापमान 0 डिग्री को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ सर्दी का मौसम अपने परवान पे है। वहीं दूसरी ओर जो तिल्ली और गुड़ से बनी हुई जो पौष्टिक चीज़ें हैं इनकी बिक्री भी बढ़ गई है और कई जगह शहर के अंदर इनकी स्टॉलें हमें देखने को मिल रही है। और शहरवासी तिल और गुड़ से बनी हुई कई तरह की जो यहाँ की जो मिठाइयाँ होती है उसको लुत्फ यहाँ उठा रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भिंड और मुरैना के जो कारीगर हैं दिन रात मेहनत करके यहाँ पर जो तिल्ली और गुड़ की जो मिठाई है, विशेषकर यहाँ पर सदाबहार गजक है, मुरैना का जो गजक है, मूंगफली की जो चक्की है और स्पेशल देसी घी से बने हुए गजक और रेवड़ी और रोल गजक और तिल पट्टी सहित जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो मिस्त्री यहाँ पर बने हुए बनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही हम देख सकते हैं गुड़ को गर्म करके यहाँ पर कई तरह के जो यहाँ पर तिल पट्टी और तिल और गुड़ के मिश्रण से यहाँ कई प्रकार के आइटम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे जो मिस्त्री हैं जो विशेषकर भिंड और मुरैना साइड से विशेषकर कारीगर यहाँ पर बुलाए जाते हैं और शहर के अंदर करीब आधा दर्जन जगह पर ये लोग आकर यहाँ पर करीब एक दर्जन स्थानों पर जो बड़े बड़े स्टॉल या गोदाम बने हुए इसके मार्फत पूरे जिले के अंदर यहाँ से जो माल सप्लाई होता है। अभी हम आए हैं तिलक नगर के अंदर देव गजक भंडार के अंदर, जहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विंड मुरैना के जो कारीगर आए हुए हैं यहाँ पर पूरी लगन और के साथ यहाँ पर ये काम को अंजाम देने में जुटे हैं। हमारे साथ मौजूद है देव गजक के मन जमनालाल जी, इनसे जानना चाहते हैं कि कौन कौन से आइटम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ये मुरैना बनाते हैं और गजक रोल बनाते हैं, सदाबहार गजक बनाते हैं, मूंगफली चक्की बनाते हैं। इस बार सर्दी में बढ़ोतरी है क्योंकि पारा भी हम देखने को मिल रहा है कि 0 डिग्री के छू रहा है। कैसी खपत है? नहीं, बढ़िया खपत है इस बार, बढ़िया है। ये साल से इस बार अच्छी है। कारीगर कहाँ से बुलाते हैं? ये मुरैना के कारीगर है सारे, यही रहते हैं पूरी रात ही? नहीं रहते, हाँ यही रहते हैं। कितने दिन तक रहते हैं यहाँ पे? ये 4 महीना यहाँ रहेंगे। इस बार क्या महंगाई का गत साल से अगर तुलना करें कैसी क्या रेट चल रही है मार्केट का? थोड़ी दिल्ली की रेट ज़्यादा है, बाकी सेम ही है, ज़्यादा नहीं है। किस किस की चीज़ें बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें विशेषकर बाजार के अंदर मांग रहती है यहाँ पर?
मुरैना गजक बनाते हैं, रोल बनाते हैं, रेवड़ी बनाते हैं, मूंगफली की चक्की बनाते हैं। विशेषकर रेवड़ी और सदाबहार अच्छी चलती है, मुरैना भी अच्छी चलती है। अब सर्दी के मौसम में बिक्री बढ़ती है। हाँ, सर्दी के मौसम में। और अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो बनाने वाले लेबर के कॉन्ट्रेक्टर। कितने दिन तक यहाँ रहना होता है और फिर जो ऑफ सीजन होता है उस वक्त आप लोग क्या करते हैं? उसके बाद तो अपन घर पर ही रहते हैं। अब जो यहाँ पे अपने नवरात्रा से मुहूर्त हो जाता है, जब से ये कंटिन्यूस चलता है काम, कंटिन्यूसर चलता है, लेबर वेबर सब इधर ही रहती है, सबको यहीं पे खाना पीना सब रहना सोना सब यहीं पर रहता है। पूरा करीब चार महीने करीब रहते हैं सब। फिर ऑफ सीजन में क्या करते हैं? ऑफ सीजन अपने घर पर कोई खेती बाड़ी करता है, कोई जैसे जिसका जैसा धंधा है वो काम करते हैं। मुरैना की गजक फेमस है, इसका क्या कारण है? ये कई वहाँ पे ही किसी ने कोई सिवरे गजक वाला था, उसने चालू की थी, उसी के नाम से चल रही है वहाँ पे, जब से चल रही है पूरे देश में। अधिकतर जो मुरैना के जो कारीगर होते हैं ये फेमस है। हाँ, फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस यही मुरैना गजक, क्योंकि वैरायटी बनती है ना और बढ़िया इसकी कुटाई उटाई होती है, इसलिए इसमें टेस्ट और सबसे ज़्यादा कर सर्दी का सबसे बेस्ट आइटम यही है। सर्दियों में जितना भी जितनी हर चीज़ ये चलती सर्दी में, सबसे ज़्यादा ये तिल है ना, तिल का सबसे ज़्यादा चलता है। कौन कौन से आइटम अभी आप बना रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी मुरैना बन रही है, पिस्ता गजक बन रही है, रोल बन रहे हैं अपने, काजू वाली गजक है, देसी घी वाली है, पलटा है, और अपने सदाबहार है, रेवड़ी है, तमाम ये सभी आइटम बन रहे हैं यहाँ। बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्दी के अंदर जो मुख्य रूप से खाई जाने वाली मूंगफली, तिल और गुड़ का यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो आइटम है जो मुरैना के जो कारीगर हैं उनके द्वारा यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। साथ ही करीब चार महीना तक ये लोग यहाँ पर रुककर ये पूरे जो कार्यक्रम जो कार्य होता है इसको करते हैं, और बाकी समय ये लोग जो अपना निजी कार्य होता है ये करते हैं। बाकी चार महीने तक ये पूरी तरह से जहाँ पर ये जहाँ इनका गोदाम होता है या जहाँ पर ये पूरा कारखाना टाइप होता है ये वहीं पर रहकर ये पूरे इस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि जो जिस प्रकार सर्दी बढ़ रही है उसके साथ ही जो इसकी जो तिल्ली गुड़ और जो तिलपट्टी की है जो खपत बढ़ रही है। साथ ही अगर रेट की अगर हम बात करें तो तिल्ली और गुड़ की रेट के बढ़ने के साथ ही इसका असर इसके ऊपर भी देखने को मिल रहा है। लोकवाणी के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद तिल्ली। जिंदल सॉल इमीडिएट द्वारा अपने सामाजिक सरोकार उत्तरदायित्व निर्वहन के तहत NH 79 से हाथीबाटा आश्रम के आगे मोड़ तक सड़क लगभग 1 किलोमीटर पूर्ण रूप से जीर्णोद्वार नव निर्मित की गई है। उक्त सड़क निर्माण में जिंदल सॉल इमीडिएट द्वारा 25 लाख रुपए व्यय किए गए। चूंकि पूर्व में सड़क काफी सकड़ी होकर जीर्ण अवस्था में थी और सड़क पर हनुमान मंदिर व आश्रम स्थित होने से कई श्रद्धालु वहां दर्शनार्थ आते थे, जिन्हें सड़क के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आश्रम के महाराज संतदास के अनुरोध पर मैसर जिंदल सॉल लिमिटेड द्वारा उक्त सड़क को पहले चौड़ाई बढ़ाकर उसका भूमि से लेवल ऊपर कर नवनिर्मित की है, ताकि भविष्य में भी यह सड़क बारिश के पानी के बहाव से क्षतिग्रस्त न हो। इस अवसर पर जिंदल सॉ कंपनी प्रतिनिधि राजेंद्र गौड़ एवं संतदास महाराज द्वारा उक्त सड़क पर नारियल फोड़ उचित विधि विधान के साथ फीता कार्ड उद्घाटन कर सड़क को आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं व आम नागरिकों को समर्पित कर दी गई। इस दौरान कंपनी की ओर से पराग पटेल, अमित कुमार झांझड़िया व अशोक वैष्णव भी उपस्थित थे। संतदास महाराज द्वारा जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा सड़क निर्माण के लिए आभार व्यक्त किया और बताया कि काफी लंबे समय से सड़क टूट फूट कर जीर्ण अवस्था में थी, जिसे जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा एक ही अनुरोध पर स्वीकार कर सड़क निर्माण प्रारंभ कर दिया था। जिंदल सॉल लिमिटेड द्वारा सामाजिक सरोकार उत्तरदायित्व निर्वहन के तहत समय समय पर ऐसे सार्वजनिक हितार्थ कार्य किए जाते रहे हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भिलवाड़ा में एकमात्र निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, खांड, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक,
पता सिक्सन थेरेपी सेंटर रामसने हॉस्पिटल के सामने रिलायंस स्मार्ट के ऊपर पिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450-9677-8883। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड पिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919-7568952871। 22 एसी फर्निश्ड रूम एंड वन हॉल, 20,000 स्क्वायर फीट गार्डन, वेल पार्किंग फैसिलिटी नियर बाय सिटी, एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैरिज, कंप्लीट इवेंट रूम फैसिलिटी, इकोनॉमिक चार्जेस। फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की, अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास पानी की टंकी के सामने शाम की सब्जी मंडी फिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के महा के निःशुल्क शिविर पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर जी एल शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला एमजीएच परिषद फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर एस एन नुवाल सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राजस्थान सरकार द्वारा छात्राओं को शिक्षा में बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य भर में चलाए जा रहे निःशुल्क साइकिल वितरण अभियान के तहत मांडल ब्लॉक क्षेत्र में 1782 साइकिलें वितरित की जाएंगी। राजकीय उच्च सीनियर माध्यमिक विद्यालय मांडल में इन साइकिलों का असंबलकारी किया जा रहा है। तत्पश्चात जिला शिक्षा विभाग द्वारा गठित टीम के द्वारा भौतिक सत्यापन कार्य किया जाएगा, फिर इन साइकिलों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। ब्लॉक मंडल की इस वर्ष की सत्र 2021 और 2022 की निःशुल्क साइकिलें यहाँ नोडल विद्यालय पर प्राप्त हुई है। राज्य सरकार की एक महती परियोजना है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने की, जिसके तहत लगभग 1782 साइकिलें हम बांटने वाले हैं। अभी साइकिलें असेंबल हो रही, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी तो असेंबल हो चुकी है। ये इधर सत्र 2021 की है, उधर 2021-22 की है, और ये साइकिलें असेंबल होने के बाद इनका जिला स्तरीय कमेटी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के उपरांत हम इनको विद्यालयवार बांटना सुनिश्चित करेंगे। विनीत शर्मा, प्रिंसिपल मांडा। हरिशिवा संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भिलवाड़ा में डीएलएड में सत्र 2021-22 के 9 प्रवेशार्थियों का द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा फ्रेशर पार्टी के माध्यम से भव्य स्वागत किया गया। प्राचार्य कैलाश चंद्र तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम की अध्यक्षता संत मायाराम, बनवारीलाल शास्त्री, अम्बालाल नानकानी, सचिव ईश्वरलाल आसनानी, हीरालाल गुड़नानी के विशिष्ट आतिथ्य में सम्पन्न हुआ।
कार्यक्रम में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें समूह नृत्य पलक एवं साथी तथा प्रीति व साथी ने प्रस्तुत किया, जिससे विद्यार्थियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से बहुत सराहा। इसी प्रकार एकल गीत मोहित जोशी, प्रीति तथा कविता आदित्य ने प्रस्तुत किया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने नव प्रवेशार्थियों को शुभ आशीर्वाद देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम को संत मायाराम गुलाब बनवारी शास्त्री, ईश्वरलाल आसनानी एवं प्राचार्य कैलाश तिवारी ने संबोधित किया। नव प्रवेशार्थियों को तिलक, गुड़, धनिया व हरेशवा धाम के दुपट्टे पहनाए गए। कार्यक्रम का संचालन मोहनलाल शर्मा एवं शालिनी लड्ढा द्वारा किया गया। द्वितीय वर्ष के छात्रों द्वारा सभी विद्यार्थियों को अल्पाहार करवाया गया। वर्तमान समय में कुशल युवाओं के लिए संगठित व असंगठित क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर मौजूद हैं। युवाओं को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। यह बात मुख्य अतिथि डॉक्टर पुष्कराज मीणा ने प्रताप सिंह बारट राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के द्वितीय दिन बौद्धिक उद्बोधन सत्र के दौरान कही। उन्होंने शिविर में युवाओं को भावी जीवन के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य डॉ हरमल रेबारी ने अपने जीवन से संबंधित संस्मरण सुनाते हुए बताया कि बाधाएं उत्साही एवं दृढ़ संकल्पित युवाओं को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। रोसेओ कार्यक्रम अधिकारी डॉ रंजीत जगरिया ने स्वयं सेवकों से श्रमदान सहित विभिन्न गतिविधियां करवाई। इस अवसर पर प्रोफेसर सत्यजीत जेटली, डॉक्टर हंसराज सोनी, प्रोफेसर जयकृष्ण त्रिपाठी, प्रोफेसर अतुल कुमार जोशी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन स्वयं सेवक इफ्तिखार फातमा एवं ओम प्रकाश ने किया। रोसेओ प्रभारी प्रोफेसर धर्मनारायण वैष्णव ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। जोलिया में बीते रविवार को विहिप द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण शौर्य संचलन को विवादों में डालकर 8 जनों को पुलिस द्वारा राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के साथ ही कस्बे को बीते 3 दिनों से पुलिस छावनी में तब्दील करने के विरोध में जिला कांग्रेस के मंत्री कुंवर सौभाग्य सिंह के नेतृत्व में कस्बे के वरिष्ठ जनों ने उपकरण अधिकारी सीमा तिवारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कस्बे में उपजा अनावश्यक विवाद दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। कस्बा ऐतिहासिक व धार्मिक होने के साथ ही शांतिपूर्ण रहा है। शौर्य संचलन कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न होने के साथ ही कहीं से कोई विरोध नहीं होने के बावजूद भी कस्बे में पुलिस बल व धार्मिक स्थानों के बाहर सुरक्षा दस्ता लगाने से लोगों में अनावश्यक भय व्याप्त हो रहा है। बिना बात के तैनात सुरक्षा जाप्ता कस्बे के नागरिकों के मन में असुरक्षा पैदा कर रहा है, जबकि कस्बे सही क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक घटना का कोई प्रकरण नहीं हुआ है। उक्त विवाद से बिजोलिया जैसे सौहार्दपूर्ण कस्बे की छवि खराब हुई है। पुलिस द्वारा गढ़ी गई सांप्रदायिक तनाव की स्थिति सरासर गलत है। मांग पत्र में लिखा है कि तत्काल प्रभाव से अनावश्यक तैनात पुलिस बल को हटाया जाए और आशंका की स्थिति को खत्म किया जाए। ज्ञापन देते समय जिला कांग्रेस मंत्री कुंवर सौभाग्य सिंह के साथ ब्लॉक कांग्रेस संगठन मंत्री शक्ति नारायण शर्मा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष छीतर कुमार, शिव चंद्रवाल, घनश्याम सोनी, सत्यनारायण मेवाड़ा, राजेंद्र माथुर, शांतिलाल जोशी, सुमित जोशी आदि मौजूद रहे। बिजोलिया से हंसमुखी बालाजी मंडल वाणिज्य नगर द्वारा ढोकले का भोग लगाकर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि कड़ाके की पड़ रही सर्दी को देखते हुए महिला मंडल ने सीजन के अनुसार बालाजी के ढोकले का प्रसाद चढ़ाया। इस अवसर पर मंडल की सभी सदस्या उपस्थित थी। किरण, सुनीता, बसंता, मीणा, लीला, तोशनीवाल, भारती काबरा, मुन्नी, विधा, विमला आदि मौजूद थी। श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा जी मंदिर ट्रस्ट भिलवाड़ा के जन जन की आस्था का केंद्र चारभुजा नाथ बड़े मंदिर में 2021 के वर्ष का अंतिम छप्पन भोग रविवार को लगाया जाएगा। नव वर्ष 2022 को पहला छप्पन भोग 2 जनवरी रविवार को ठाकुर जी के लगाया जाएगा। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट एवं जगदीश चंद्र, विनोद कुमार, सुनील कुमार, दिनेश कुमार अजमेरा कार्डरमाला वाले के तत्वावधान में चारभुजा नाथ के छप्पन भोग का आयोजन 26 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक छप्पन भोग के दर्शन होंगे। 11:45 पर ध्वजा का आयोजन होगा। 12 बजे छप्पन भोग महाआरती के बाद प्रसाद वितरित होगा। इस वर्ष का चारभुजा नाथ के ये 8वां छप्पन भोग धराया जाएगा। नव वर्ष 2022 के आगाज पर 2 जनवरी रविवार को विशाल छप्पन भोग का आयोजन चारभुजा नाथ बड़ा मंदिर भिलवाड़ा में होगा। ट्रस्ट एवं प्रमुख उद्योगपति रामपाल सोनी की ओर से छप्पन भोग का दूसरा आयोजन होगा। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से निःशुल्क पंचगव्य एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श शिविर एवं काढ़ा वितरण का आयोजन 26 दिसंबर को प्रातः 9:30 से दोपहर 2 बजे तक आजाद नगर स्थित सांवरिया सेठ मंदिर में किया जाएगा। संस्था के प्रचार प्रमुख दिलीप व्यास ने बताया कि शिविर में विशेष रूप से चर्म रोग, बालों की समस्या, जुखाम, खांसी, पेट की समस्या आदि का निवारण करने के लिए परामर्श दिया जाएगा। व्यास ने बताया कि शिविर में पंजीयन के लिए संयोजक राजेंद्र शर्मा, गोविंद नारायण राठी, कैलाश लड्ढा, विजय सिंह आदि से संपर्क किया जा सकता है।
श्री महेश शिक्षा सदन विद्यालय के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने बुधवार को नौगावा में स्थित माधव गौशाला का भ्रमण किया। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्था से जुड़े गौशाला व्यवस्थापक अजीत सिंह, सूरज सिंह, गोसेवक बालूलाल सैन ने विद्यार्थियों को बायोगैस प्लांट, वर्मी कंपोस्ट एवं गायों के रखरखाव, दवा निर्माण, दूध निकालने की प्रक्रिया, गोमूत्र संरक्षण सहित अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। मंदिर प्रबंध समिति के संयोजक गोविंद प्रसाद सोनानी ने बताया कि सभी विद्यार्थियों ने गौशाला परिसर में स्थित सांवरिया सेठ मंदिर में दर्शन और भगवान से उन्नति की प्रार्थना की। पुजारी दीपक पराशर ने प्रसाद वितरण किया। विद्यालय परिवार की गरिमा गुप्ता ने गौशाला परिवार का आभार जताया। माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों इकाइयों के स्वयं सेवकों का ओरिएंटेशन दिवस कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉ. शैलजा उपमन्यु की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। डॉ. शैलजा उपमन्यु ने गांधी दर्शन का राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों के जीवन में संचार हेतु उद्बोधन प्रस्तुत किया। वरिष्ठ संकाय सदस्य मनीषा उदावत ने स्वयं सेवकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया। जिला समन्वयक डॉ. जीसी भारती ने स्वयं सेवकों का राष्ट्र निर्माण में योगदान एवं वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्रीय सेवा योजना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। समन्वयक डॉ. कांता मीणा ने NSS द्वारा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने किया। कार्यक्रम अधिकारी राजूराम घासी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।